हेलो दोस्तों, मैं हूँ समीर और आज मैं एक और दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि समुद्र अपने अंदर अनगिनत रहस्यों को छुपाकर रखता है, और अगर हम इन रहस्यों को सुलझा लें तो शायद हम ब्रह्मांड और हमारे प्राचीन इतिहास को और भी कहीं ज्यादा अच्छे से जान सकेंगे। इसमें कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक रहस्य भारत के समुद्र भी अपने अंदर छिपाए हुए हैं, जिनमें से कुछ रहस्यों की खोज हो चुकी है और बहुत से रहस्यों को जानना अभी बाकी है। ऐसी ही एक मिस्टीरियस प्लेस की खोज कुछ वर्षों पहले हुई थी, जिसे जानकर हर कोई हैरान था। असल में दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की ऐतिहासिक द्वारका नगरी की, जो आज भी गहरे समुद्र में मौजूद है। आज की वीडियो में हम इसी माया नगरी की बात करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर कैसे द्वारका नगरी समुद्र में डूबी, और साथ ही बात करेंगे द्वारका नगरी से जुड़े कुछ अनसुने व अनसुलझे रहस्यमय तथ्यों की, जिन्हें जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। गोमती नदी और कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर बसे द्वारका का उल्लेख महाभारत, हरिवंश, भागवत पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। इसका नाम द्वार संस्कृत में दरवाजा शब्द से लिया गया है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान कृष्ण युद्ध त्याग कर द्वारका बस गए थे। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर उनके दादा उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया था। कंस के ससुर जरासंध, जो कि मगध के राजा थे, उन्होंने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। ऐसे में अपने लोगों को बचाने के लिए श्री कृष्ण और उनके वंश ने अपनी राजधानी को मथुरा से द्वारका स्थानांतरित करने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि महान वास्तुकार विश्वकर्मा को इस अद्भुत शहर के निर्माण का काम दिया गया था, और ऐसा माना जाता है कि द्वारका का निर्माण उन्होंने एक दिन में किया था। भारतीय पौराणिक कथाओं में इस बात की भरमार है कि मूल द्वारका कैसी दिखती थी। महाभारत का कहना है कि द्वारका में 900,000 शाही महल थे, जो सभी क्रिस्टल और चांदी से बने और पन्ने से सजाए गए थे। उस समय का ये आधुनिक शहर चौड़ी गलियों, सड़कों, बाजारों, घरों और मंदिरों की एक विशाल सिस्टम से जुड़ा हुआ था। माना जाता है कि द्वारका 6 खंडों पर बनी थी, 2 दाहिने किनारे पर और 4 बाईं ओर। सभी 6 खंडों में बलुआ पत्थर के तैयार किए गए खास पत्थरों से निर्मित सुरक्षात्मक दीवारें बनाई गई थी। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस शहर में मोहरें चलती थीं, जिनके बिना कोई भी यहां प्रवेश नहीं कर सकता था। पुराणों में बहुत जगह ऐसा कहा गया है कि महाभारत युद्ध के 36 साल बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने नश्वर अवशेषों को छोड़ दिया था। ऐसा माना जाता है कि कौरवों की मां गांधारी की वजह से हुआ था, जिन्होंने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का अंत हुआ है, उसी तरह श्री कृष्ण के वंश यादवों का भी अंत होगा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के अपने नश्वर अवशेषों को छोड़ते ही द्वारका शहर अलग अलग मुसीबतों और प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त होकर अंततः समुद्र में डूब गया। दोस्तों, द्वारका का समुद्र में जलमग्न होना एक वैज्ञानिक शक्ति भी है, जो कि अध्ययनों से साबित भी हुआ है। हरिवंश ने द्वारका के डूबने का वर्णन करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्देश दिया कि वे द्वारका से सभी लोगों को बाहर निकाल लें, क्योंकि श्री कृष्ण को पहले ही अंदाजा हो गया था कि द्वारका नगरी समुद्र में डूबने वाली है। आज के वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र में पानी का लेवल अचानक से बढ़ने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो समुद्र तल के स्तर में बदलाव के कारण पानी के स्तर में वृद्धि, और दूसरा भूकंप। लेकिन उस समय भूकंप के होने के कोई तथ्य नहीं मिलते। विशेषज्ञों के अनुसार द्वारका की दीवारें अभी भी समुद्र में सुरक्षित मौजूद हैं, और अगर उस समय भूकंप आया होता तो ये दीवारें अभी सुरक्षित मौजूद नहीं होती। वैज्ञानिक द्वारका के डूबने का कारण समुद्र तल में बदलाव की वजह से पानी के स्तर में हुई वृद्धि को बताते हैं, क्योंकि इसी तरह की घटनाएं बहरीन के तटों पर भी देखी जा चुकी हैं। अब दोस्तों, हमने द्वारका नगरी के जलमग्न होने के पौराणिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को तो देख लिया। चलिए आइए अब जानते हैं कि द्वारका नगरी की खोज कब और कैसे हुई। असल में दोस्तों, पौराणिक नगर द्वारका की खोज महाभारत की ऐतिहासिक प्रासंगिकता की मान्यता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसने इतिहासकारों द्वारा महाभारत की ऐतिहासिकता और द्वारका नगरी के अस्तित्व के बारे में व्यक्त की गई शंकाओं को दूर कर दिया है।
द्वारका नगरी की खोज से पहले बहुत से इतिहासकारों का मानना था कि ये नगरी केवल एक काल्पनिक नगर है और काल्पनिक कहानियों का कोई इतिहास नहीं होता। लेकिन इस खोए हुए शहर का पहला स्पष्ट ऐतिहासिक रिकॉर्ड सन 574 ईस्वी का है, जो सामंथा सिम्हाद्रिय के पलिताना प्लेट्स में पाया जाता है। ये शिलालेख द्वारका को सौराष्ट्र के पश्चिमी तट की राजधानी के रूप में संदर्भित करता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ रहते थे। द्वारका में पहली पुरातात्विक खुदाई 1963 में डेक्कन कॉलेज, पुणे और पुरातत्व विभाग द्वारा की गई थी। इस खोज में कई सदियों पुरानी कलाकृतियों का पता चला था। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की मरीन आर्कियोलॉजिकल यूनिट ने साल 1979 में भारत के सबसे सम्मानित आर्कियोलॉजिस्ट्स में से एक डॉक्टर एस आर राव की देखरेख में दूसरे दौर की खुदाई की थी। इन खुदाई के परिणामों के आधार पर अरब सागर में धसे शहर की खोज 1981 में शुरू हुई, और फिर इसके बाद वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने लगातार 20 वर्षों तक इस साइट पर काम किया। इसके अलावा अंडरवाटर खोज के लिए परियोजना को 1984 में मंजूरी दी गई थी। 1983 और 1990 के बीच एसआर राव की टीम को खोज में कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्होंने पानी में डूबे इस ऐतिहासिक शहर के अस्तित्व को साबित कर दिया। साल 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी संस्थान के छात्रों को भारत सरकार द्वारा तट से करीब 7 मील दूर गल्फ ऑफ कैम्बे में पोल्यूशन के ऊपर एक सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया। इस सर्वेक्षण के दौरान उन्हें 5 वर्ग मील पर मिट्टी और रेत से ढके पत्थरों की बनी इमारतों मिली। डाइवर्स ने ब्लॉक, नमूने, कलाकृतियां और तांबे के सिक्के एकत्र किए, जिनके बारे में वैज्ञानिकों का मानना कि ये लगभग 3600 साल पुराने हैं। लेकिन उनमें से कुछ नमूने जब कार्बन डेटिंग के लिए मणिपुर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजे गए, तो इस टेस्ट के रिजल्ट्स ने रहस्य को और भी कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि इनमें से कुछ चीजें 9000 साल पुरानी थी। द्वारका की समुद्री आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस ने बड़ी संख्या में पत्थर से बनी संरचनाओं को प्रकाश में लाया है, जो आकार में अर्धवृत्ताकार, आयताकार और वर्गाकार है, और एक विशाल क्षेत्र में बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई है। इन संरचनाओं के अलावा बड़ी संख्या में पत्थर से बने लंगरों को भी देखा गया है, और इसी के चलते आर्कियोलॉजिस्ट्स ऐसा मानते हैं कि उस समय के दौरान द्वारका भारत के पश्चिमी तट पर सबसे व्यस्त बंदरगाह केंद्रों में से एक था। दूसरी ओर गल्फ ऑफ कैम्बे में किए गए एक्सप्लोरेशन से बलुआ पत्थर की दीवारें, सड़कों व गलियों का एक जाल, पानी के नीचे 70 फीट गहराई में बंदरगाह होने के कुछ सबूत और 7500 ईसा पूर्व की कलाकृतियां सामने आई है। एक्सप्लोरेशन में खोजे गए इस शहर की बनावट, इसका फैलाव, किले की दीवारें और बुर्ज यानी किले के बाहरी हिस्से का स्थान हरिवंश में वर्णित विवरणों से मेल खाता है। दरअसल हरिवंश में शहर की सुरक्षा व्यवस्था का विवरण देते हुए ये लिखा गया है कि द्वारका का क्षेत्रफल 12 योजन था, जो एक पट्टी द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा था, और कम ज्वार में ये अब अभी भी दिखाई देता है। कहते हैं कि यहाँ पर मोहरे चलती थी, जिनके बिना शहर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। असल में समुद्र तल पर विशेष विवरण वाली मोहरे पाई गई है। इसके अलावा भगवान विष्णु की एक पत्थर की मूर्ति, चर्ट पत्थर से बना ब्लेड और मिट्टी के बर्तन, ये सभी खोजी गई वस्तुओं का हिस्सा है। यहाँ पानी के नीचे खुदाई के दौरान कुछ सिक्के भी मिले थे, जिन पर महाभारत में पाए गए विवरणों के समान शिलालेख बने थे। दोस्तों, इतिहासकारों का मानना कि प्राचीन भारतीय संस्कृति या कहें सभ्यता सिर्फ 4 से 5 हजार साल पुरानी है, लेकिन गल्फ ऑफ कैम्बे के नीचे मौजूद खंडहर कम से कम 9000 साल पुराने हैं, और इससे ये साबित होता है भारतीय सभ्यता आमतौर पर जितना पुराना समझा जाता है, ये असल में उससे कहीं ज्यादा पुरानी है। पौराणिक शहर द्वारका की खोज, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना श्री कृष्ण ने की थी, महाभारत की ऐतिहासिक प्रासंगिकता की मान्यता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस खोज ने इतिहासकारों द्वारा महाभारत की ऐतिहासिकता और द्वारका शहर के अस्तित्व के बारे में व्यक्त की गई सभी शंकाओं को दूर कर दिया है, और मरीन आर्कियोलॉजी ने साबित कर दिया है कि महाभारत, हरिवंश, मत्स्य और वायु पुराणों में उल्लिखित द्वारका और उसके जलमग्न होने का अस्तित्व एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ना कि कल्पना। वैसे द्वारका नगरी के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? अपना जवाब हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।
मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।